प्रधानमंत्री जी की कोई टिप्पणी नहीं थी, कोई कुछ बात नहीं थी, लेकिन वैसे जब वो बाहर जाते हैं सब चंगा सी, सब बहुत अच्छा है जी, सब बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है मुझसे पूछिए। पुलिस फोर्स है, वो आते जाते आपसे पूछते हैं आपको कहाँ जाना है, हाँ आपको कहाँ जाना है। आप डराइए धमकाइए मत, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि हम यहाँ आज क्यों खड़े हैं, हमें पता है कि हमारे दोस्त कितने परेशान है वहाँ, हमें पता है हमारे दोस्त इधर कितने परेशान है। आप मजबूर मत करिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं और हम छीन लेंगे उसका, हम छीन लेंगे। नागरिक कैमरे के पीछे जो खड़े हैं वो नागरिक, मेरे पीछे जो खड़े हैं वो नागरिक, जो स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं वो नागरिक, जो ताली बजा रहे हैं वो नागरिक, जो स्टूडेंट्स वहाँ खड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नागरिक, जो पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर पिट रहे हैं वो नागरिक, जो आसाम में जलाए जा रहे हैं वो नागरिक, जो स्टूडेंट्स वहाँ पिट रहे हैं वो नागरिक, हम सब नागरिक, हिंदुस्तान नागरिक, जो आपसे जवाब चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा आपत्ति है, जिस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट है, इतना ज़्यादा शोर गुल्ला मच रहा है, ऐसी चीज़ क्यों कर रहे हैं, वो नागरिक आपसे सवाल पूछ रहा है कि अपने नागरिक के आप क्यों नहीं सुन पा रहे। लेकिन सरकार तो कुछ और ही नागरिकता के जो दायरे हैं वो बता रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार अपनी मर्जी से सिर्फ उन्हीं चंद प्रतिशत लोगों के लिए चल रही है जिन्हें वो खुद बचाना चाहती है, जिन्हें उन्हें खुद से फायदा है। ये पूरा वोट बैंक का हिसाब किताब है। आपने पूरा एक मजहब ही हटा दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से, और अब आप कह रहे हैं कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तो आपको सिटीजन नागरिकता देने के लिए, लेने के लिए नहीं। अमित शाह जी कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हम आपको देना चाहते हैं, आप दे नहीं रहे हैं, आपने छीनी हुई है जो आपने पहले छीनी क्यों, अब आपको देनी ही पड़ेगी। और अब आपको जब देनी है तो आप एक पूरे के पूरे गुट को ही हटाना चले जाते हैं, क्योंकि आपके फायदे का वो बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इतना गलत कर चुके हैं कि अब कोई वापसी का रास्ता ही नहीं है। आप जानते हैं कि जब अगली बार उन्हें मौका मिलेगा तो वो आपके लिए वोट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ना, ये देखिए नागरिकों को, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जब से वो बिल टेबल हुआ है तब से उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट ही हो रहा है, उसके बावजूद आप चले ही चले जा रहे हैं। रात रात में हमें पता लग रहा है, हम सुबह उठ रहे हैं कि वो बिल नहीं है, वो अब एक्ट बन चुका है, राष्ट्रपति जी ने उसको एक्ट बना दिया। आप रुक ही नहीं रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे हैं, तो नागरिक क्यों रुके? वो बोलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको वहां बिठाया है, भूलिए मत, हम ही हैं आपको वहां बिठाने वाले, तो हम ही उसी ताकत से आपको नीचे भी ले आ सकते हैं। आप मजबूर मत करिए नागरिकों कि वो इतना पागल हो जाए और वो इतना परेशान हो जाए कि उसके बाद आपके पास रोकने के लिए आप बुलाते रहिए अपनी पुलिस फोर्स से लेकर जिस मर्जी को आपको बुलाना है। कितनों को मारेंगे, कितनों को मारेंगे, कितनों को जलाएंगे, कितनों को दबाएंगे, कोई ना कोई तो बोलेगा ही। क्या आज धर्म के आधार पर नागरिकता डिफाइन की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। आपने 5 रिलीजन्स बता दिए, ये कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई, एक कर ही नहीं सकते, आपने उम्मीद ही खत्म कर दी है, और अब आप चाहते हैं कि लोग उसको मान ले, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अरे हम तो नागरिकता दे रहे हैं, छीनने वाले भी तो आप हैं, आप क्या दे रहे हैं, आप छीन रहे हैं, कोई देवे नहीं रहे हैं। और आप पागल मत बनाइए, आधे से ज्यादा मीडिया, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं, आधे से ज्यादा मीडिया इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, वो यही बोले चले जा रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अरे कहाँ मिलेगी, 50% लोगों को जिन्हें वो चाहते हैं सिटीजनशिप मिले वो मिलेगी, जो बाकी आधी प्रतिशत बच गई उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या नहीं हूँ, आप हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी, ये है हिंदुस्तान जो यहाँ खड़ा है, आप क्या डिफाइन कर रहे हैं हिंदुस्तान कौन है और हिंदुस्तान कौन नहीं है? ये हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान नहीं जो आप बनाना चले जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान है। और अगर आपने हिंदुस्तान की नहीं सुनी तो देखिए फिर, सुनाने के तरीके बहुत है, आप मजबूर मत करिए जी। ये सरकार जिस संविधान के कारण देश की सत्ता पर काबिज है, आज उसी संविधान का ये अपमान करे तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये समझ नहीं रहे हैं कि जितना एक होता है ना, जो हम बचपन में कहानियां सुनते थे कि पाप का घड़ा भरता चला गया और फिर उसके बाद वो सारा का सारा ठीकरा आपके ऊपर ही फूटा, और वो फूटेगा ही। कब तक ऐसा होगा कि लोग अंधे बने पड़े रहेंगे, कब तक ऐसा होगा कि आप अपनी पावर, अपना खौफ, अपना डर दिखाकर लोगों को चुप करेंगे? नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कल यहाँ इससे डबल खड़े होंगे, और करते 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 पूरा हिंदुस्तान जब इस जंतर मंतर पे खड़ा हो जाएगा तो किस तरह आप बोलेंगे कि हम संविधान बदल रहे हैं? आप बदलते रहिए, संविधान वो है जो आज यहाँ खड़ा है, संविधान वो है जो इन लोगों ने बनाया है, बी.आर. अंबेडकर ने बनाया था लोगों के लिए। अब आप उसका पूरा का पूरा मूल ही बदल लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक पूरी पार्टी के लिए ही वो संविधान सही हो। आज मैं इस संविधान को लेकर इसे सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से बनाता चला जाऊंगा और बदलता चला जाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा होने देंगे। देश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि देश की जनता अपने घरों से बाहर निकले, बताए कि वो परेशान क्यों है और उनकी परेशानी क्या है।
ये कहने से कि सिर्फ एक जना क्या कर लेगा। आप देखिए कितने एक एक जने खड़े होकर आज यहाँ कितनी भीड़ खड़ी है कि सरकार ने इतनी पुलिस फोर्स से लेके आर्मी फोर्स सब यहाँ बिठा रखी है। मैं आज जब यहाँ आई तो मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला तुम एक वहाँ जाके क्या कर लोगी, और मैं हंसी भी और रोई भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ी होंगी और मेरे साथ मेरे सारे के सारे दोस्त यहाँ खड़े होंगे, मेरे जानने वाले मेरे ना जानने वाले भी यहाँ खड़े होंगे, तब आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? आप ये बोलेंगे कि नहीं आप एक लौता क्या कर ले? देखिए यहाँ कितने सारे एक एक लोग खड़े हैं और वो कितने सारे ने क्या गुट बनाया है कि आपके डर की वजह से आप डरते हैं कि ये जनता चुप नहीं बैठेगी, उन्हें पता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। आपने इतनी पुलिस फोर्स बिठा रखी है और इतनी इंटिमिडेटिंग पुलिस फोर्स है, वो आते जाते आपसे पूछते हैं आपको कहाँ जाना है, हाँ आपको कहाँ जाना है। आप डराइए धमकाइए मत, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि हम यहाँ आज क्यों खड़े हैं, हमें पता है कि हमारे दोस्त कितने परेशान है वहाँ, हमें पता है हमारे दोस्त इधर कितने परेशान है। आप मजबूर मत करिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं और हम छीन लेंगे उसका, हम छीन लेंगे। तो कीर्ति जी मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, अभी असम में भाजपा के ही कुछ सांसद और विधायक इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो इस पे भाजपा आंख बंद कर क्यों बैठी है? क्योंकि आप अगेन जैसे मैंने कहा आप चुप नहीं कर सकते, वो भी एट द एंड ऑफ द डे इसी भारत के सिटीजन है, उन्हें भी पता है कि उनके जानने वालों को इससे फर्क पड़ेगा, उनके परिवार पे इससे फर्क पड़ेगा। और एक बात बताइए, आपका क्या खुद का जी नहीं घबराता है? आपको खुद को पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं, अब आप उसे आज माने, 10 साल बाद माने, 10 दिन बाद माने, वो अच्छी बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने ये बात मानी और वो खुद अपनी पार्टी के और उनकी अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह बनेगा ये देश और इसी तरह सुधरेगा ये देश जब अपनी पार्टी के लोग ही अपनी पार्टी के अगेंस्ट खड़े होकर इन्हें बताएंगे कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, इसी तरह सही होगा और कोई तरीका नहीं है आपको बताने। और मैं जानती हूँ कि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है, उन्हें भी बहुत बोला जा रहा होगा कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कैसे अंदर खाने सब चल रहा होता है, हमें पता है जनता बेवकूफ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो आज खड़े नहीं होंगे कल को अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। क्योंकि आप ये एक भी एक स्टेट है जिसको टारगेट किया गया, और आप देखिए जरा जनता का हाल क्या है, आप देखिए और इनका हाल क्या है कि ये इतने अजीब हैं, अपने ही नागरिकों को इंटिमिडेट करने के लिए, डराने धमकाने के लिए इन्होंने सब जगह पुलिस फोर्स लगा रखी है, यहाँ आने तक के लिए इन्होंने जगह नहीं है, जानबूझ के इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है पूरे के पूरे रास्ते में। मैं जानती हूँ 15 मिनट का रास्ता इन्होंने 40 मिनट का बनाया जानबूझ के कि लोग यहाँ ना पहुंच पाए, एक स्टेट का ये हाल है और इनका ये हाल है। अगर इन्होंने गलती से सोच भी लिया कि हाँ हम पूरे के पूरे देश में लागू करेंगे, आप देखिए जरा यहाँ क्या हाल होगा। मैं बताती हूँ क्या हाल, आप सड़कें चलवा के दिखाइए। सरकार पीछे हटेगी क्योंकि कहा जा रहा है बड़ी मजबूत सरकार, मजबूत सरकार है हमें पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है। आप ये मत बताइए कि हम वो सरकार बनाने वाले हम हैं। अगर हमने आज डिसाइड कर लिया कि अब हम उनकी नहीं सुनेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। आप करते रहिए जो आपको करना है, जो गलत है वो आपको मानना पड़ेगा कि गलत है, आप उसे जबरदस्ती से सही नहीं प्रूव कर सकते ये कहके क्योंकि मैंने कह दिया कि वो सही है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, आप मानेंगे नहीं मानेंगे? क्योंकि नहीं बज रहे रात के 9, तो जो बात सही है वो माननी पड़ेगी, जो गलत है उसे बोला जाएगा कि वो गलत है, चाहे आप जो मर्जी कहते रहे। मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि आपने बात करी अभी कि ये जनता है सब जानती है और इसका बदला भी लेना जानती है, लेकिन अगर हम बात करें वहीं दूसरी तरफ देखें कि जो अभी चुनाव आते हैं तो चुनाव में जनता एक एक वोट सोच समझ कर देके आती है, और हमने ये भी देखा है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में कि बहुत सारी जनसंख्या ने मोदी सरकार को वोट नहीं किया था, उसके बावजूद भी ये सत्ता पर काबिज हुई, आखिर क्यों? देखिए मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे जैसे मैंने आपको कहा कि हम जनता है हमें सब पता है, कहने की बात नहीं है, लेकिन पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए कुछ कुछ गुटों को, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, पैसे देती हैं, वो उन्हें रात रात में घरों में बोतलें पकड़ा के आते हैं, वो वोट वहां जाते हैं। ईवीएम टैम्परिंग के मामले भी बहुत देखे गए, चाहे वो जितना मना करें इस बात को, लेकिन ये मामले देखे गए हैं। रिसर्च में भी ये आया था कि हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ईवीएम टैम्पर हो सकता है। और अगेन जो मैं आपको बात कह रही हूँ, अभी भी भारत की ऐसी काफी जनता है जो इस बात को लेके, इस बात को समझने के लिए असक्षम है, वो समझ ही नहीं रहे हैं कि आज जो यहाँ हो रहा
रहा है वो कितनी बड़ी बात है, उन्हें लग रहा है क्या परेशानी है, वो उसी दायरे से वो उन्हीं की बात पे भरोसा करते चले जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है यही ठीक है, हाँ हमने कुछ सोच समझ के ही तो काम कर रहे होंगे, ठीक है मेजॉरिटी ऐसा काफी टाइम तक सोच भी रही है और ये गलत है। लेकिन यही बात है कि जब आज के बाद कुछ भी होगा और उन्हें धीरे धीरे दिखना शुरू होगा कि ये कितना गलत है, वो भी अपने वोट्स रिट्रीव कर लेंगे, वो उन्हें खींचेंगे अपने वोट्स को। मैं मानती हूँ कि आज की डेट में इनके पास ये पावर है कि इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोपेगेंडा फैला फैला के ऐसा कर दिया है कि बीजेपी के अलावा तो कुछ कोई है ही नहीं। आप देखिए ऑपोजिशन में किसी को टिकने ही नहीं देते हैं, कभी किसी को पप्पू का नाम दे देते हैं, कभी को गप्पू का नाम दे देते हैं, जिस मर्जी का नाम देते हैं। आप जान पूछ के ऑपोजिशन को जान पूछ के ऐसा डिमीन कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं कि पूरे आम नागरिक का भरोसा अड़ जाए कि चलो ऑपोजिशन ही नहीं है जो सबसे खतरनाक है। अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं होगा तो इन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। बिल्कुल, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल कि अगर कोई भी पार्टी सत्ता पर जीत कर आती है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जनता के लिए अच्छे अच्छे काम करे, लेकिन वही पिछले 6 साल से भारत देश की जनता देख रही है कि ये सरकार क्या काम कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार देख रही है, भारत सरकार अपना करे चले जा रही है जो मर्जी। आप ये देखिए यहाँ पर उनका कोई किसी को कोई टिप्पणी नहीं है, और कहने की बात नहीं कि सिर्फ एक यही मुद्दा है, 100,000 मुद्दे हैं। लास्ट वीक हम सब जानते हैं कि हैदराबाद में क्या हुआ, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मंत्री जी की कोई टिप्पणी नहीं थी, कोई कुछ बात नहीं थी, लेकिन वैसे जब वो बाहर जाते हैं सब चंगा सी, सब बहुत अच्छा है जी, सब बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है मुझसे पूछिए। जब मैं रात में 9 बजे आती हूँ, मेरे मम्मी पापा कितने परेशान होते हैं, वो मुझे डांटते हैं कि तुम क्यों लेट आ रही हो, क्यों, ये मेरा देश नहीं है क्या, मैं काम से वापस नहीं आ सकती हूँ क्या, और मैं कोई क्या, और जो आप अपना रूल्स बनाते रहते हैं, ये उस दिन बोल रहे थे कोई, मैंने कल ही न्यूज में देखी है कि एक बीजेपी लीडर बोल रहे हैं संस्कृत बोलने से आपका डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। कैसी बातें करते हैं आप, कैसी बातें हैं ये, मतलब मुझे तो बोलते हुए भी अजीब लगता है कि आपको हमने इलेक्ट किया है, ये क्या बातें हैं आपकी, आप क्या करते हैं, आपको शर्म नहीं है कि आप इतने बड़े, आपको लोगों ने वहां बिठाया है कुछ काम करने के लिए, आप ये सब फालतू बातें कर रहे हैं। आप कुछ समझदारी की बात करिए, एक्चुअली में लोगों के लिए काम करिए। सड़कें बनी नहीं है, आपकी विमेन सेफ्टी का इशू तो मतलब कि हद से ज्यादा पार हो चुका है, एक एक हफ्ते में 6 के केसेस आ रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है। आम लोग क्या चाहते हैं ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं, अब आपका फर्ज ये है कि आप उसका कोई समाधान निकालिए, आप उसका सलूशन निकालिए और ऐसे बिल बनाइए जिनसे हमें सच में फायदा हो और हमें जबरदस्ती में सड़क पे निकल के यहाँ चीखम चिट्टा ना मचाना पड़े। आप सही चीज के लिए बिल लाते नहीं है, फालतू की सारी चीजों के लिए आप बिल लाते रहते हो और लोगों को अभी आप इतना परेशान करते रहते कि जबरदस्ती इंसान कितना परेशान है आज, उन्हें पता ही नहीं है कि कल उनके पास कोई देश होगा कहलाने के लिए या नहीं होगा, ये कैसी सरकार है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।